गेट नंबर 1 और इसके सामने कुछ भी नहीं है, नेशनल हाईवे ही है। एक बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे 3 हेलीपैड के लिए जगह बनाई गई है, जगह क्या पार्क बनाया गया है। और ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहाँ पे सारे ऑफिशियल काम होते हैं। आप देख सकते हो कितना हरा भरा कॉलेज में, जो पहाड़ी है पूरा। ये अभी हम गेट नंबर 1 से एंटर किए हैं। गाइस हम कॉलेज के अंदर जाते हैं अब, और ये हम गेट नंबर 1 से एंटर करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से होते हुए यहाँ पर दोस्तों एक नया SOET बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे PVT के स्टूडेंट्स आकर पढ़ेंगे और वो अपना VC ऑफिस। VC ऑफिस बिल्कुल महल सा दिखता है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको एक गाड़ी ब्लॉग दिखाता हूँ। पहुंच चुके हैं कार्डिंग ब्लॉक, और दोस्तों ये है इनोवेशन सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हरियाणा का, छोटा सा है। जब आपको कुछ भी आइडिया आता है तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो साइकिल काट लगा दिए, कुछ नहीं सोचा नहीं। यहाँ पे बर्ड्स के लिए पानी का रखा गया है। इसके अंदर कभी मैं गया नहीं, कभी कभी खुला ही नहीं। ये बस अकेडमी ब्लॉक के थोड़ा पास में है। यहाँ पे अकेडमी ब्लॉक के सामने थोड़ा सा काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जंगल टाइप का। यहाँ पे आपको नील गायें थोड़े बहुत मिल जाया करेंगी। तो भी इस रास्ते से आए हैं अकेडमी ब्लॉक। ये अकेडमी ब्लॉक 4, ये अकेडमी ब्लॉक 3, अकेडमी ब्लॉक 2 जो कि आपको दिख रहा होगा नहीं, क्योंकि वो बस पेपर्स में है। अकेडमी ब्लॉक 1 यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन टाइप का है ना, जो कि वाटर पार्क रहता है। ये दोस्तों वो
विकेट में बम पे जाता है, ऐसे छोड़ जाता है और ये तो ये गेट नंबर वन जाने का रास्ता जहाँ गाड़ी ब्लॉक सिक्योरिटी ब्लॉक थ्री है, गेट नंबर वन सारा है ये रहा मैं गाड़ी ब्लॉक 4, 3, 3, 2 और उधर जॉब लिखते हो उस फ्रेंड है तो सारे बिल्डिंग्स सेंट्रल जो हरियाणा के अंदर आते हैं। अपना फाउंटेन पता नहीं चलता है इतनी खाने वाने कभी भी एक रास्ता जा रहा है जो कि गर्ल्स होटल हॉस्टल की तरफ जाता है। इसके बाद गर्ल्स हॉस्टल है, ये न्यूली बिल्डेड है, दो गर्ल्स हॉस्टल है और यूनिवर्सिटी में सारे हॉस्टल एक जैसे दिखते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा हमने, वाईफाई पार्क देखा, एकेडमी ब्लॉक देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखा और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी देखा। अब हम चलते हैं हॉस्टल्स की तरफ और देखेंगे हॉस्टल्स कैसे हैं यहाँ के। हम अभी इस स्टाफ क्वार्टर से इस रास्ते जा रहे हैं और आप इधर दस देख सकते ये जो रोड जा रहा है वो गेट नंबर वन और ओल्ड हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल और उधर एसओटी बिल्डिंग भी है और ये रास्ता जा रहे हैं न्यू बॉयज़ हॉस्टल और ये रास्ता जा रहा है वापस अपने एकेडमी ब्लॉक की तरफ जो कि लेफ्ट साइड जाता है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ और राइट साइड जाता है गेट नंबर वन की तरफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ। अभी हम इन तीनों रास्ते से होते हुए आ चुके हैं, अभी हम चलते हैं इधर से न्यू बॉयज़ हॉस्टल से घूमते हुए गेट नंबर वन की तरफ निकल जाएंगे। दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम बना था तो इन लोगों ने ज़मीन पर ही
अमेरिकन स्टाइल और इंडियन स्टाइल। ये रात का टाइम आपको जिम दिखाता हूँ न्यू वॉइस हॉस्टल का, बाकी ऊपर के सारे कमरे सेम है, तुम्हें स्किप करने वाला वीडियो आपको डायरेक्ट जिम दिखाता हूँ। Thank you.
पड़ा है, देख सकते हो इतना अच्छा नज़ारा है। यूट्यूबर है, इससे ये पता चलता है कि तेरा